नामांकन के अंतिम दिन राजिम और बिंद्रा नवागढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश शुक्ला और जनक राम ध्रुव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान प्रमुख रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री नंद कुमार साय भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अमितेश शुक्ल ने कहा कि कांग्रेस ने जो भी घोषणा की है उसे पूरा किया है। वहीं अब धान का समर्थन मूल्य 3,000 प्रति क्विंटल 20 क्विंटल की खरीदी होगी। इसके साथ ही किसानों का कर्ज भी माफ होगा। जल्द ही और भी कई घोषणाएं होने की बात भी उन्होंने कही। वहीं दूसरी ओर जनकलाल ध्रुव ने कहा कि बीते कई सालों से बिंद्रा नवागढ़ में बीजेपी ने लोगों को ठगा है और कोई भी विकास के कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते इस बार बिंद्रा नवागढ़ की जनता बदलाव के मूड में है। कांग्रेस की क्या स्थिति है दोनों विधानसभाओं में, सब समझ चुके हैं। चाहे वो 2100 समर्थन धान मूल्य का मामला हो, चाहे आदिवासियों को गाय देने का मामला हो, चाहे उनका जो प्रधानमंत्री उसका 2 करोड़ जो है रोजगारों को रोजगार देंगे युवाओं को उसका मामला हो, सब पूरा पर्दाफाश हो। यहाँ पर तो जो बोला गया वो करा गया और अब तो 3,000 समर्थन मूल्य के बारे में बताया गया है तथा जो है वो कर्जा माफ बोला कर दिया गया है। 3,000 समर्थन मूल्य देंगे ये बताया गया है और 20 क्विंटल धान तो करेंगे। तो पिछले 15 सालों से बीजेपी के विधायक के द्वारा निष्क्रिय होकर के ये क्षेत्र के जो मूलभूत सुविधा को लेकर काम नहीं किए हैं और हम वर्तमान में हमारी 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार ने जो जनता के लिए गरीब किसान मजदूर के लिए हमारी बहनों के लिए हमारे बच्चों के लिए काम किए उसको लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह है और आने वाला जो समय होगा जो 17 नवंबर को चुनाव होगा और उसका रिजल्ट 3 दिसंबर को होगा।